अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कॉफ़ी केक बिना ओवन के किस तरीके से बना सकते हैं। तो हमें कॉफ़ी केक बनाने के लिए 2 अदद अंडे, 3/4 कप मैदा, 1/2 कप चीनी, दूध जितना हमें ज़रूरत होगा थिकनेस के मुताबिक हम उतना यूज़ करेंगे। आप कोई भी दूध यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने कॉफ़ी को बीट करके रखा हुआ है और इसके अंदर हमने 1/4 कप तेल मिला लिया है। तो चलें अब हम मिक्सिंग की तरफ चलते हैं। तो अब मैंने 2 अंडे ले लिए हैं। अब हमें इन्हें अच्छी तरीके से फेंट लें। अंडे को हम इस तरीके से अच्छी तरीके से फेंटेंगे कि इसके अंदर देखें बिल्कुल झाग आ गया और ये अच्छी तरीके से फिट चुका है। अब हम इसके अंदर 1/2 कप पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। तो मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है। अब हम इसे अंडों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें चीनी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें ये मिक्सर शामिल करेंगे जिसके अंदर 1/4 कप तेल है और 1 चम्मच कॉफ़ी का है और 2 चम्मच दूध है। अब हम इस मिक्सर को इसके अंदर शामिल कर देंगे और फिर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। जैसे कि देख सकते हैं इसके नीचे पूरा बैटर बन गया है। ये देखें नीचे आ देखो अच्छी तरीके से फिट चुका है। अब हम इसके अंदर ये हमने 3/4 कप मैदा लिया था, इसे थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते रहेंगे और इसे फेंटते रहेंगे। अब मैं आपको इसे फेंटने के बाद मिलती हूँ। तो ये देखिए मैदा अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है और मैंने मैदे के अंदर ही बेकिंग पाउडर डाल दिया था और मैंने मैदे और बेकिंग पाउडर दोनों को एक साथ ही छानना था। तो आप आटे की छन्नी से मतलब वही वाली छन्नी जिससे नॉर्मली छानते हैं उससे आप इसे छान दिएगा। और जो मैंने चीनी इस्तेमाल करी है पहले तो मैंने उसे पीसा है, मतलब नॉर्मल चीनी को पीस कर मशीन में, उसके बाद मैंने चीनी को भी छाना है। तो आप इन तीनों चीज़ों को छान कर इस्तेमाल कीजिएगा। आप ये देखें ये इसकी कंटेंट जो कि देखें। अब इसके अंदर हम दूध डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा मतलब पतला हो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। तो मैंने इसमें दूध शामिल किया है। तो देखें दूध डालने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, मतलब ना ज़्यादा गाढ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे पहले हो गई थी गाढ़ी, ना वैसी और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। तो आप इसका ख्याल रखेंगा। तो अब हम जिस बॉल में हमें इसे डालना है, मोल्ड करना है, उसे हम ग्रीस करेंगे। तो मैंने डोनट शेप का मोल्ड लिया है। आपके पास जौन सा भी मोल्ड है या जैसा भी मोल्ड है जिसमें आप पकाना चाहते हैं आप पका सकते हैं। तो अब हम इसे ग्रीस करेंगे। मैं बताती हूँ देखो, आप इसमें ज़रा सा तेल डाल लें और नीचे तक मेरा तकरीबन पाउडर और देन इसे आधे बड़े चने ग्रीसिंग का और इसे ग्रीस कर दें। तो मैं ग्रीस करने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो अब हम इसमें ज़रा सा मैदा छिड़क देंगे देन हम इसे अच्छे तरीके से हर साइड पे कवर करेंगे और इसे हमने पूरे बाउल में फैला लेंगे। जो हमने तकरीबन 1/4 चम्मच मैदा डाला था तो पूरे बाउल में फैल चुके। अब हम बैटर को अपने मोल्ड में डालेंगे। तो अब हम इसे टैप टैप कर देंगे ताकि एकदम कंसिस्टेंसी की सही हो जाए। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है। अब यहाँ पे कुछ भी कढ़ाई वगैरह ले सकते हैं। तो मैं बेक करूँगी केक को और फ्लेम में मीडियम रखूँगी। तो मैंने अपने मोल्ड को इसके अंदर जो कढ़ाई ली थी उसके अंदर रख दिया है। अब हम इसे किसी भी ढकने वगैरह से ढक देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे तब तक ये पक नहीं जाता। फाइनली कॉफ़ी केक बनकर तैयार है और ये बहुत ही स्पॉन्जी बना है। अब हम इसे टेस्ट करते हैं। तो गाइस ये बहुत मज़े का बनाए हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।